अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शीर खुरमा की रेसिपी, और जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको आप बना सकते हैं काफ़ी कम चीज़ों से। और चलिए तो शुरू करते हैं आज की शीर खुरमा रेसिपी। तो उसके लिए हमें मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मैंने बादाम लिए हैं, 19 से 20 मैंने बादाम लिए हैं, और मैंने कुछ काजू लिए हैं, और थोड़े से मैंने मगज़ लिए हैं, और थोड़ा सा मैंने गोला लिया है। और काजू को और बादाम को मैंने सोक कर दिया है, 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था इनको मैंने। और मैंने फुल क्रीम दूध को पहले से ही गर्म कर लिया था, बॉईल अच्छे से उसमें ले लिया था, और 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे भी उसे पका के एक साइड पर मैंने रख दिया है। और 1 चम्मच मैंने डाला है नॉन स्टिक पैन में घी, देसी घी मैंने शीर खुरमा में, मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देसी घी 1 चम्मच पैन में डाल लिया है, और मैंने 5 से 6 छुआरे भी लिए थे जिनको मैंने रात में ही सोख करके रख दिया था, और वो अच्छे से फूल चुके थे, उन्हें मैंने बारीक कट करके एक साइड पर रख लिया है। वो मैं वीडियो में नहीं बता पाई हूँ। और मैंने दूध में भी इलायची पाउडर डाला था थोड़ा सा, तो वो भी स्किप हो गया है। तो आप दूध में भी 3 से 4 इलायची कूट कर या तो डाल लें, या फिर उसका आपके पास अगर पाउडर हो इलायची पाउडर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने 3 से 4 छुआरे भी कट करके रख लिए थे। और उसके बाद और लो फ्लेम पर हमें गैस को रखना है, और धीमी आंच पे ही हमें गैस को रख के घी को मेल्ट करना है। और उसके बाद में मैंने बारीक वाली सेवैयाँ ले ली हैं, ये इन्हें मैंने अच्छे से छोटा छोटा करना है, एक प्लेट में रख के क्रश कर लेना है इन्हें। और इन सेवैयों को हम हाथ से बारीक बारीक इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्रश कर लेंगे इस तरह से। और जैसे कि ये बारीक हो जाएगी, और इनकी क्वांटिटी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ी सी ही ये मैंने ली हैं। और ये देखें इस तरह से इन्हें मैंने बारीक कर लिया है। और उसके बाद में जो हमने घी हमने गर्म करके रखा था, हमने इन्हें उसमें ऐड कर लिया है। और फिर उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे हम इन्हें। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी मीडियम नहीं करना है या फिर हाई नहीं करना है, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके भूननी है इनको। और सेवइयों का कलर हमें लाइट ब्राउन रखना है, और इनका कच्चापन हमको ख़त्म करना है बिल्कुल, और इन्हें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इनका टेस्ट बिल्कुल चला जाएगा और शीर खुरमा भी हमारा देखने में और या फिर टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं आएगा अगर ये ज़्यादा सिक गई तो। इसलिए हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही करके भूनना है, और इनमें से जब ये भून जाएंगे तो काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और ये देखें गैस को मैंने लो फ्लेम पर किया हुआ है, और मैं धीरे धीरे इन्हें भून रही हूँ, और साथ में इन्हें चलाते भी जाना है, वरना तो ये ब्राउन हो जाएंगी और जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें लो फ्लेम करके ही इनको भूनना है धीरे धीरे, बस हल्का सा इनका कलर गोल्डन होना चाहिए। और लो फ्लेम पर भूनते हुए हमें इन्हें कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे जिस तरह से हम इन्हें सेकेंगे, लेकिन ये एकदम परफेक्ट कलर हमको मिल जाएगा जो हमें चाहिए, और ये बिल्कुल भी नहीं जलेंगी और बहुत ही इजीली ये गोल्डन हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है, और ये काफ़ी अच्छी से भुननी शुरू हो गई हैं। और ये देखें इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, और इनमें से खुशबू भी आने लगी है बहुत ही अच्छी सी। तो हम इन्हें धीरे से थोड़ा थोड़ा सा और भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और ये भुनकर हो गई हैं रेडी, और जैसे ही ये गोल्डन हो गई हैं इन्हें मैंने बॉईल जो मैंने दूध करके रखा है मैंने उसमें डाल दिया है। तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है, एक साथ हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें ये सेवइयाँ इसमें ऐड करनी है दूध में, और इसको चलाते जाना है।
और गैस को भी लो फ्लेम पर छोड़ देना है सेवैयाँ डालने के बाद। और क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था दूध में, तो इसमें काफ़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी सेवैयों को डालने के बाद। और ये मैंने दूध में इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये मैंने पैन में डालकर एक बार से फिर से इसे पलट दिया था, और फिर मैंने पैन को कर लिया था अच्छे से वॉश, क्योंकि मुझे बाकी जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी फ्राई करने थे। और हमें गैस के फ्लेम को लो रखना है, गैस को बंद नहीं करना है, क्योंकि दूध की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक करनी थी, इसलिए गैस को मैंने लो फ्लेम करके रखा है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स को मैंने सोक करके रखा था उन सभी को मैंने अच्छे से कट कर लिया था, और बाकी ड्राई फ्रूट्स को मैंने धो लिया था अच्छे से, और उन सभी को मुझे करना था फ्राई। तो मैंने पैन ले लिया है दोबारा से और इसको अच्छे से वॉश किया है मैंने, और फिर से इसे मैं पैन को गरम करूंगी और इसमें ऐड करूंगी घी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने छुहारे भिगो के रखे थे, उन्हें भी मैंने कट करके रखा है इस रेसिपी के लिए। मैं मोस्टली इस रेसिपी में शीर खुरमा में खजूर का यूज़ करती हूँ, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। बट अभी मेरे पास खजूर नहीं थे अवेलेबल, तो मैंने इसलिए छुहारे ही भिगोकर कट कर लिए थे। जैसे मेरे पास आज खजूर नहीं थे तो मैंने छुहारे यूज़ किए हैं उसकी जगह पर। और मैंने ये देखे रात में ही सोक करके रखे थे, और ये अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं, अच्छी तरह से फूल चुके थे, तो मैंने ये कट कर लिया था छुहारे को। तो ये मैंने इनके बीज निकाल कर कट किया था, और ये मैंने एक साइड पर डाल दिए हैं छुहारे। और उसके बाद में ये मैंने बादाम को भी चॉप करके रखा था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद में मैंने डाले हैं काजू, इनको भी मैंने कट किया था, थोड़ा थोड़ा मैंने इनको कट कर लिया था। और उसके बाद में अगर आपके पास चिरौंजी हैं तो आप उन्हें भी ऐड ऑन कर सकते हैं डिश। और मैं बादाम का छिलका उतार कर नहीं ऐड करती हूँ, मुझे इस तरह से ही बादाम को कट करके डालना पसंद है ज़्यादा। और उसके बाद में अगर आपके पास चिरौंजी हैं तो आप उन्हें भी इसी तरह से सोक करके, बट उनका छिलका आप उतार कर इसमें ऐड कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। और किशमिश मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ शीर में, ना शीर खुरमे में, मुझे किशमिश पसंद नहीं है, इसलिए मैं स्किप करती हूँ। इन ड्राई फ्रूट्स को मुझे 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, और इनका कलर बिल्कुल भी मुझे चेंज नहीं करना है। और उसके बाद में मैंने इसमें गोला भी ऐड किया है कोकोनट, ड्राई कोकोनट, बट इसे भी मुझे हल्का सा फ्राई करना है, ये मैंने बाद में डाला है। और थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। और इसी तरह से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी, बस ज़्यादा मुझे इसे नहीं भूनना था। और थोड़ा सा गोला मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया था। और उसके बाद में थोड़े से मैंने मगज भी लिए थे, जो कि मैंने बचा के एक साइड पर रखे हैं। मगज को मैंने सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका कलर चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी से वो डार्क हो जाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें सबसे लास्ट में डालना है। और ये मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद में मुझे लेने थे मगज, जो कि मैंने एक साइड पर रखे थे, उन्हें मैंने पहले नहीं डाला था। और इन सबको फ्राई करने के बाद मैंने एक साइड पर कर लिया है। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है मगज के लिए, जो कि मुझे उन्हें भी फ्राई करना था। और ये मैंने डाल दिए हैं इसमें मगज, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने ले रखे थे, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं शीर खुरमे में या शीर में, काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट आता है। और उसके बाद में मैंने इन्हें भी फ्राई कर लिया था, हल्का सा फ्राई मैंने इनको किया है, बहुत हल्का सा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स सारे हमारे फ्राई हो चुके थे, अब उनको मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना था, तो मुझे मगज को बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है। और ये मगज ऑलमोस्ट हो चुके हैं फ्राई, और ये और मगज को ज़्यादा फ्राई करते हैं तो एकदम छिटकने लग जाते हैं, इसलिए मैंने प्लेट ऊपर से कवर कर दिया है। और उसके बाद में मैंने
जो गोला मैंने बचाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद में मैंने जो चीज़ें फ्राई की थी, जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, वो सभी मैं यहाँ पर डालूँगी। और ये सभी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। और उसके बाद में मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये देखें, इसके डालते ही शीर खुरमा इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, एकदम टेस्टी और डिलीशियस। और ये देखें, इसमें मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैं अच्छे से इन्हें मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर हो गया है। और ये अभी भी थोड़ा पतला है, अभी भी थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन है, अभी पतला है ये, तो अभी मुझे इसको थोड़ी और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक करनी है। तो इसके लिए, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो यहाँ पर आप सैफ्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और काफ़ी अच्छा उससे कलर आएगा और उसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। बट मुझे सैफ्रॉन कम पसंद है, इसलिए मैंने स्किप किया है सैफ्रॉन को। और शीर खुरमे का कलर वैसे ही काफ़ी अच्छा आ जाता है। और ये मैंने लो फ्लेम पे अभी भी रखा हुआ है पकने के लिए। अभी भी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में और काफ़ी प्यारी लग रही है। बट अभी मुझे इसे थोड़ा सा थिक और करना है, थोड़ा सा थिक और बनाना था, तो इसमें एक इंग्रेडिएंट्स अभी बाकी रहता है ऐड करने के लिए। आप चाहें तो इस स्टेज पर यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट मैं कंडेंस मिल्क की जगह खोया यूज़ करती हूँ, और वो मैं एक तरफ क्रश करके रख लूँगी। मैंने मंगवा के रखा है खोया फ्रेश। और ये देखें, मैंने खोए को ले लिया है एक प्लेट में, और इस तरह से मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये हो गया है मेरा खोया रेडी। और ये 200 ग्राम खोया था, और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है धीरे धीरे। और इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए, इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और दूध का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेज पर। और गैस को मैंने लो फ्लेम करके रखा है, और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ये इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए खोया। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आने लगा है, शीर खुरमे का कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। और इसके बाद में इसका टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आने लगता है, और काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर भी थोड़ा क्रीमी सा हो जाता है खोया को डालने के बाद। और थोड़ी सी शुगर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो गई है, ये देखें। और ये कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और ये काफ़ी अच्छा बना था। और शीर खुरमा हो गया है हमारा बनकर रेडी, और गैस के फ्लेम को कर लिया है हमने ऑफ। और ये देखें, ये हमने सर्व कर लिया है, डिश आउट कर दिया है हमने शीर खुरमे को, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। Do 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 do